गाइस अभी आपने जो पीछे वीडियो में देखा वो हमारा फार्म हाउस था, और अभी हम थोड़ा जंगल पार करने के बाद अपने जो हमारा दूसरा खेत है वहाँ पे आ चुके हैं। बाकी अभी आप देख सकते हैं दोस्तों कितना घना जंगल है, और अभी ये मेरे साथ आए हुए हैं विजय भाई, और अभी हम आगे चलते हैं अपना खेत। हमारा नेक्स्ट खेत है दोस्तों जो 6 बीघा मैंने आपको बताया था, उसके अलावा हमारा जो खेत है वो यहाँ पे आगे जंगल में इस साइड है। तो चलिए दोस्तों वहाँ चलते हैं और वहाँ पे आपको दिखाते हैं अपना खेत, उसमें हमने क्या क्या बो रखा है, क्या क्या खेती कर रखी है। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइस जैसा कि अभी आपको ये वीडियो में दिख रहे हैं, इस सारे पेड़ अमरूद के हैं, हमने पूरा अमरूद का बाग लगा रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे बल्क में पेड़ है यहाँ पे हमारे पास अमरूद में। बाकी आपको दिखा देते हैं वीडियो में अमरूद कितने। बाकी दोस्तों अभी से सीजन जा रहा है तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ से अमरूद तोड़ चुके हैं, और जैसा कि कुछ पेड़ों में अमरूद होगा उसमें आपको दिखा देते हैं अमरूद यहाँ पे हम। दोस्तों अगर आपको मैं दिखाता हूँ अपने यहाँ पे कि जो मतलब हमारा जो बाग है कितनी दूरी फैला हुआ है, दोस्तों आपको सामने दिख रहा होगा उस पेड़ से लेके पूरा यहाँ पे अमरूद का बाग है, और मैं आपको आगे दिखा दूँ। और गाइस आपको वो पेड़ सामने दिख रहा होगा उस पेड़ तक, मतलब यहाँ पूरे कम से कम 300-400 पेड़ होंगे यहाँ पे अमरूद के। अभी दोस्तों इस किसी सीजन इसका जा रहा है तो यहाँ पे खैर इतने अमरूद नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं हम अमरूद के बाग के अंदर पहुँच चुके हैं, और ये कितना ही घना है यहाँ पे। बाकी दोस्तों अंदर चलते हैं इसके, आपको दिखाते हैं। सिर्फ अमरूद, ओनली अमरूद के पेड़ है यहाँ पे। और दोस्तों आपको इस वीडियो में जितने ही पेड़ दिख रहे होंगे ये सारे ही अमरूद के पेड़ हैं। दोस्तों जब आप सीजन में आओगे तो यहाँ पे आपको पत्तों से ज्यादा अमरूद दिखेंगे पेड़ों के ऊपर। अरे भैया है अभी सीधा पेड़ पर चढ़ेंगे, और दोस्तों बिल्कुल एंड में शायद अभी आपको दिख भी नहीं रहा होगा उस कोने में यहाँ पे अमरूद का अमरूद है, और ये चढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए भैया चढ़ जाओ, आप चढ़ जाओगे ना पेड़ पे, कोई दिक्कत तो नहीं। हम अपना अमृत का बाग पार करते हैं तो जस्ट उसके आगे हमें ये बेर का बाग मिल जाता है। तो दोस्तों देखिए बेर का बाग है जो हमारा यहाँ से स्टार्ट है, और पूरा यहाँ से फैलते हुए पूरा यहाँ से जाते जाते और ये वहाँ एंड तक है, जो मेरा पेड़ दिखाया था अमृत का सेम उसके अपोजिट हमारा बेर का बाग लगा हुआ है, और इसमें अभी बेर उगी हुई है। दोस्तों बेर जो होती हैं अपनी जो जनवरी के एंड तक यहाँ पे पूरी पक जाएंगी। मैं बाकी आपको वीडियो में जूम करके दिखा देता हूँ अपने बैक कैमरे से जो बेर यहाँ पे लगी हुई है। दोस्तों आप देख सकते हैं इस पेड़ को बल्क में बेर लगी हुई है, बाकी अभी कच्ची हैं। दोस्तों जब भी पक जाती हैं तो पेड़ पूरा एक तरह को झुक जाता है, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये पेड़ कितना झुका हुआ है, और जब इसमें बेर पक जाती है तो पेड़ काफ़ी नीचे आ जाता है। और दोस्तों जो उसकी बेर होती है काफ़ी मीठी और काफ़ी टेस्टी होती है। गाइस अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ बेर उगी हैं, और बेर देखो तो दोस्तों कितनी ही ज़्यादा नीचे हैं यहाँ पे, और इसको हम इजीली तोड़ सकते हैं। आपको दिखा दूँ बेर का, एक बार बेर का साइज़ दिखा दूँ दोस्तों को तोड़ के मैं, तो हमारी बेर कितनी बड़ी हुई है देखिए दोस्तों, ये बेर है, इस बेर का साइज़ देखिए दोस्तों अभी इतना बड़ा है। बाकी जनवरी के एंड तक ये बेर पूरी तरह पक जाएंगी, और अभी आप नीचे देख सकते हैं बिल्कुल साफ है, यहाँ पर पूरा आपको बेर भी सा मिल जाएगा। बाकी आपको हम जनवरी फरवरी में शूट करके दे देंगे जो आपको बेर होगा उस पक गया है इसका। दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा ये पेड़ बेर से भरा हुआ है, और जो मैंने जो आपको बेर दिखाया था पूरा वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये फैला हुआ है बाग पूरा हमारा वहाँ से वहाँ तक का। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो बेर होती है हमारी, ये बेर जब पकती हैं तो इतना हो जाता है कि हमारे को बेचने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और हम इसको बेच भी सही से नहीं पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है ये बेर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। गाइस अभी हम यहाँ पूरा अपना बाग घूम चुके हैं, और हमने आपको पूरा वीडियो दिखाया कि जो हमारा अमरूद का और बैर का बाग था। तो खैर मुझे दोस्तों इतनी नॉलेज नहीं था, तो बाकी जो हमारे ये मेरे भाई हैं और ये मेरे भाई हैं ये यहाँ पूरा देखभाल करते हैं, और तो चलिए दोस्तों इनसे पूछ लेते हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों इनसे पूछते हैं एक बार, बता दूँ ये मेरे मनोज भाई हैं जो पूरा यहाँ देखभाल करते हैं, और ये मेरे कूलर भैया हैं, और इन्होंने फुल चश्मा लगा रखा है।
तो चलिए दोस्तों पूछ लेते हैं। हाँ मनोज भाई, आप बताइए इस बाग के बारे में, कैसे मतलब कैसे हमें यहाँ पे, कितना तरह के पेड़ है हमारे और क्या क्या है? हमारे यहाँ बैर के पेड़ एक एकड़ में लगे हुए हैं। ओके, और अमरूद के? अमरूद के हमारे पेड़ 2 एकड़ में लगे हुए हैं। तो हम मतलब कितना कर लेते हैं यहाँ पे इसका इसका मतलब? बैर 70-80 क्विंटल निकल आता है। 70-80 क्विंटल निकल जाता है एक बार में? हाँ। और अमरूद हमारा? अमरूद 35-40 क्विंटल निकल आते हैं। अच्छा, तो अभी आप मुझे अभी आंकड़े बता रहे हो, तो हमारा ये फार्म हाउस मिला के या अलग से? ये नहीं, ये अलग से। अच्छा, ये फार्म हाउस को हटा के हमारा है। बाकी अगर फार्म हाउस को मिला देंगे तो बहुत सारा हमारा आंकड़ा इकट्ठा हो जाएगा ना, कम से कम 8 एकड़। ओके, हमने अपने मनोज भाई से पूछा, उन्होंने आपको पूरा बताया कि जो हमारा जो खेती यहाँ पे होती है और जो मतलब हमने बाग लगा रखे हैं तो हमारा काफ़ी ज़्यादा फसल होता है। और दोस्तों हम कोशिश करेंगे जब मई और जून में आए तो जो भी यहाँ पे अभी आप बेर देख रहे हैं और अमरूद देख रहे हैं, और जब पूरा पक जाएंगे तो आपको जब आपको पूरा प्रूफ करके देंगे जो हमारा फल उग रहा है किस तरह का, क्या क्वालिटी है, सब कुछ कवर करेंगे। और ऐसा नहीं कि दोस्तों कि मतलब जो छोटे हमारे जो बेर होते हैं, बेर में 5-6 कैटेगरी हैं, छोटी बेर हो गई, बड़ी बेर हो गई, सारी तरह के हमने यहाँ पेड़ लगा रखे हैं। हाय मनोज भाई, ऐसे ही है ना? हाँ ऐसा ही, हमने यहाँ पे हर प्रजाति के बेर के पेड़ लगा रखे हैं। बस एक जो छोटा वाला बेर होता है दोस्तों वही नहीं है यहाँ पे, मतलब सारे बेर हैं यहाँ पे। और अमरूद में भी हमारे ऐसे ही हैं, 3-4 कैटेगरी हैं। तो दोस्तों अभी तो हम वो कैटेगरी आपको दिखा नहीं पाएंगे,